नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनल है। आप सबका हमारे किचन काउंटर में स्वागत है। आज हम बना रहे हैं साबूदाना खिचड़ी। ये हम व्रत में खाते हैं। इसके लिए मैंने एक कप साबूदाना लिया है। अभी हम इसको पहले भिगाएंगे। साबूदाने की खिचड़ी में हमको ये साबूदाना 3 से 4 बार पहले अच्छे से धोना है। ऐसे थोड़ा हाथ से ऐसे मलमल के धोना है। ये जो सफेद पानी है, जब तक ये नहीं आए तभी तक हमें क्लियर पानी जब तक आए तभी तक हमको 3 से 4 बार धोना है। अभी हमने 4 बार धो के वो पानी निकाल दिया। अभी हमारा ये 1 कप साबूदाना था तो इसमें हमने 1 कप से आधा कप अभी इसको पानी डाल के रखेंगे। ये पानी हमको 5 से 6 घंटा भिगा के रखना है, या तो पूरी रात भिगो के रखना है। अभी हमने साबूदाना 5-6 घंटा भिगो के रखा था, वो अच्छे से फूल गया है। हमें हाथ से ऐसे दबा के देखना है, वो अच्छे से नरम हो जाए तो माना हमारा साबूदाना अच्छे से बन गया है। हमने 1 कप साबूदाना लिया था तो उसमें हम 1/2 कप मूंगफली लेंगे, 6-8 पत्ते कड़ी पत्ते के और 2 हरी मिर्ची मैंने साबुत रखी है और 2 हरी मिर्ची को मैंने काट के रखा है। थोड़ा सा हरा धनिया, सेंधा नमक है और 1/2 टीस्पून काली मिर्ची है और ये 5 आलू है जिसको मैंने मीडियम साइज में काट लिया है। इसको मैंने आलू को 2 बार धो के रखा है। अभी हम कढ़ाई में 3 टेबल स्पून जितना पहले ऑयल डालेंगे, फिर हम इसमें ये 5-6 पत्ते कड़ी पत्ते के डालेंगे और ये 2 हरी मिर्ची को जिसको मैंने बारीक काट लिया है ये भी अभी डालेंगे। और मिर्ची अच्छे से थोड़ा भून गया है। हमने आलू को 2 बार धो के रखा है, अभी हम ये आलू भी डालेंगे। अभी हमें इसको मीडियम गैस पे अच्छे से फ्राई करना है। ये कच्चा आलू है, इसको हम स्लो मीडियम गैस पे ढक लगा के रखेंगे। अभी हमें आलू को और 10 मिनट के लिए इसे स्लो मीडियम गैस पे रखना है और बीच बीच में चलाते रहना है। हमें ये मूंगफली को गरगरा पीस लिया, इसमें से हम 1/2 मूंगफली अभी डालेंगे आलू में और 1/2 में हम ये 1/2 टीस्पून सेंधा नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और ये अमचूर पाउडर है ये भी 1/2 टीस्पून है, ये भी अभी डालेंगे। और फिर से हम इसको 1/2 मूंगफली को मैंने कटोरी में निकाल दिया और 1/2 में फिर से ये सारे मसाले डाल के पीसना है। इसको हमें बारीक पीसना है। अभी हमारे आलू 1/2 कप हो गए हैं। इस टाइम पे हम ये जो मूंगफली गरदरी पीसी थी इसको अभी डालेंगे पहले और फिर से अच्छे से आलू के साथ मिला के उनसे हमें ढक लगा के इसको पकाना है। और ये मैंने जो मसाला नमक और आमचूर और काली मिर्ची डाल के मूंगफली को मिक्सर में पीस लिया था अभी वो हम इसे साबूदाने में डालेंगे। अभी हमारा साबूदाना और ये सारे मसाले जो अभी हमने मूंगफली के साथ मिला है वो अच्छे से मिल गए। अभी हम ये लास्ट में डालेंगे जब भी हमारा आलू अच्छे से पक जाएगा। ये हम बॉयल आलू से भी बना सकते हैं, आज मैंने कच्चे आलू से बनाया है। इसी तरह से बनाने में ज्यादा समय जाता है। अभी हमें और 3-4 मिनट लगेगा, लास्ट में हम ये साबूदाना डालेंगे। अभी हमारा आलू अच्छे से पक गया है। अभी इस टाइम पे हम ये साबूदाना इसमें मिलाएंगे और हमने ये जो मूंगफली और नमक काली मिर्ची अमचूर पाउडर इसमें पहले से डाल के रखा था उसके वजह से इसमें अच्छे से मसाला मिल गया है साबूदाने में। इसके लिए हमें इसको अभी ज्यादा देर पकाना नहीं है, बस 2 मिनट के लिए ही पकाना है क्योंकि मसाला तो अच्छे से साबूदाने में मिल गया। अभी हमारा 2 मिनट हो गया है, हमारा साबूदाना और आलू भी अच्छे से पक गया है। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डालेंगे। हरा धनिया ऑप्शनल है, जो व्रत में खाते हैं वो लोग डालें और जो लोग नहीं खाते हैं वो लोग नहीं डालें। बन गए हमारी साबूदाना खिचड़ी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।